हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एचडी डिफेंस में। दोस्तों, जितना ज़्यादा रूस यूक्रेन युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है, उतना ही पूरे विश्व में रूस की तरफ से परमाणु हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। और दोस्तों, यूक्रेन को अमेरिका समेत सभी यूरोप देशों का समर्थन देख रूस यह तो समझ गया है कि यह युद्ध अब इतना जल्दी नहीं खत्म होने वाला है। और रूस जानता है कि धीरे धीरे रूस को कमज़ोर करने की कोशिश अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देशों द्वारा की जा रही है, जिससे कि समय आने पर यूरोप देश रूस पर दबाव बना सकें और कमज़ोर रूस को अपनी हार माननी पड़े। क्योंकि दोस्तों, रूस के पास भले ही एटमी न्यूक्लियर बमों का बहुत बड़ा जखीरा है और वह एक पल में चाहे तो पूरे विश्व में तबाही ला सकता है, लेकिन दोस्तों वह उन बमों को इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्योंकि अगर रूस न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करेगा तो वह यूक्रेन के साथ साथ रूस को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और साथ ही रूस ने अमेरिका से अपने परमाणु शक्तियों की जानकारी साझा करने की एक संधि भी बनाई थी, जिससे कि इन दोनों देशों को पता रहे कि किसके पास कितने परमाणु हथियार हैं। और दोस्तों, इस संधि को लेकर रूस अगर अपने डिफेंस को लेकर कोई भी नए हथियार बनाएगा तो उसकी जानकारी अमेरिका को भी बतानी पड़ेगी, भले ही आज ये दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। और दोस्तों, रूस जानता है कि अगर उसे यूक्रेन को हराना है तो परमाणु हथियार तो नहीं, लेकिन उतनी ही तबाही मचाने वाले घातक मिसाइलों की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए दोस्तों, अब रूस ने कहा है कि अब वो अमेरिका को अपने परमाणु हथियारों की जानकारी नहीं देगा। रूस के प्रधानमंत्री पुतिन ने कहा है कि रूस को समझौते के तहत अपने परमाणु स्थलों की अमेरिकी निगरानी ऐसे समय में स्वीकार नहीं है जब वाशिंगटन और उसके नए सहयोगियों ने खुले तौर पर यूक्रेन के में रूस की हार को अपना लक्ष्य घोषित कर दिया है और खुलेआम यूक्रेन को रूस के खिलाफ युद्ध में समर्थन भी दे रहे हैं। और जब हमें यह पता है कि यूक्रेन को युद्ध में अमेरिका मदद कर रहा है, तो ऐसे में रूस अपने हथियारों की जानकारी अमेरिका को कैसे दे सकता है? और हम अमेरिका को बस यही जानकारी देंगे कि जब हम मिसाइल प्रशिक्षण करेंगे तो उसके एक दिन पहले अमेरिका को बताया जाएगा कि हम इस दिन मिसाइल प्रशिक्षण करने वाले हैं। और दोस्तों, रूस अब यूक्रेन से युद्ध करने के लिए घातक मिसाइलों बनाने में लगा हुआ है, जिससे कि मिसाइलों को दूर से ही निशाना लगाकर मारा जा सके और इसमें देश की आर्मी पर भी कम से कम रिस्क हो। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों, रूस के इस संधि तोड़ने के बयान को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से दें। साथ ही दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर करें। और इसी के साथ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर ले दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही डिफेंस एवं फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।